ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x - 12 एंड वेरीफाई करना। ठीक है, बहुत ईजी है, अपन इसको करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल बेटा देख लेना, जैसे ये 12 है, क्या करते हैं अपन, ये जो कांस्टेंट टर्म 12 है और एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये प्लस 12 नहीं माइनस 12 दिया है, तो माइनस 12 इंटू 2 हो गया -24। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो ये जो बीच वाला टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे तो दोनों नंबर को माइनस करना है, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता तो फिर ऐसा स्प्लिट करते ताकि इन दोनों का जो सम है वो 5 आता। यहाँ लेकिन क्योंकि माइनस आएगा दोनों का, तो अपने को ऐसा स्प्लिट करना कि माइनस करने पर 5 आ जाए। ठीक है, 12 2 हो गया 24। अब 24 के फैक्टर निकालो, 8 3 24, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x² + 8 - 3x। 8 - 3 5, और 8 × -3 - 24 आपका आ गया। ठीक है, इस प्रकार होता है, इसको बराबर जीरो कर देता हूँ। ये हो गया 2x² + 8x + (−3x - 12 = 0। अब ये 2x² 8x ले लो, कॉमन क्या है, एक 2 कॉमन आएगा, एक x कॉमन आएगा। अब 2 निकल गया, x निकल गया, तो x स्क्वायर है तो एक x यहाँ बचा। अब यहाँ 8 हो गया, 2 4 2 निकल गया तो बचा 4, और x तो निकल गया। अब यहाँ माइनस, तो माइनस कॉमन लेना हमेशा ध्यान रखना, और 3 और 12 में कॉमन क्या है, 3। ठीक है, यहाँ बचा x, माइनस कॉमन लिया तो अंदर हो जाएगा प्लस, जो चीज़ यहाँ मिलनी वही चीज़ यहाँ मिलनी चाहिए, तो x प्लस 4, 3 4 12 होता है। अब इसको सॉल्व करो फर्दर, x प्लस 4 होल कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2x - 3 = 0। तो अब इसको अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो x प्लस 4 0 के बराबर होगा या 2x - 3 0 के बराबर होगा। x यहाँ पे आ जाएगा आपका -4, यहाँ 2x हो जाएगा 3, या x हो जाएगा 3/2, यहाँ पे x हो गया -4। तो ये आपके दो जीरोज मिल गए, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कॉफिशेंट। ठीक है, अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं, सबसे पहले अब यहाँ मान लो अल्फ़ा हो गया -4 और बीटा हो गया 3/2। अब वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए क्या करना है बेटा, वेरीफाई करने के लिए जो मेरी इक्वेशन है उसको मैं कंपेयर कर लूँगा ax² + bx + c से। क्या इक्वेशन दी है, एक बार इक्वेशन अपन कॉपी पेस्ट कर देते हैं, 2x² + 5x - 12। ठीक है, 2x² + 5x - 12 = 0। कंपेयर करो ax² + bx + c = 0 से। ए मिल गया 2, बी मिल गया 5, सी मिल गया -12। अब आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले आप निकालो अल्फ़ा प्लस बीटा इनकी वैल्यूज से, तो ये हो गया -4 + 3/2। LCM 2 आएगा तो आपको मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, LCM 2 आ गया, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगा दिया, 1 2 2 4 8, -8, 2 1 3 1 3, तो ये आ गया -5/2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इससे -5/2 आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा अपन निकालते हैं फॉर्मूले से, क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, -b/a, माइनस बी कितना है 5/a, कितना है 2, सेम आ रहा है, वेरीफाई हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना दिया है -4, इंटू बीटा कितना दिया है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ 2 1 2 2 2, तो ये आ गया -6। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा फॉर्मूले से क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, c/a, सी कितना दिया है बेटा -12, ए कितना दिया है बेटा, ए दिया है 2, तो कितना आ गया -6। तो दोनों केस में बराबर है, हेंस द सॉल्यूशन हैज बीन वेरीफाइड। आई होप इट इज क्लियर टू यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।